गुड इवनिंग दोस्तों, आपको पता ही है दिवाली चल रही है, दिवाली की छुट्टियाँ भी चल रही है। आप लोग छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे घर पे। तो आज की दिवाली है, तो आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी। तो हम लोग अपनी जो पढ़ाई कर रहे थे, जो कक्षा 8 की, उसमें प्रश्नावली चल रही थी 3, तो वो चतुर्भुजों का समझना ये था उसके अंदर। तो 3.1 हमने पढ़ ली थी, आज हम 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3.2 का अपना जो पहला सवाल है, उसमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, और दो आकृतियाँ दी गई है। तो देखो, ये त्रिभुज की आकृति है और ये क्या है, पंचभुज की आकृति है। तो ये इनको क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। इनका मैं वीडियो अलग से बनाया हूँ, आकृति को पहचानना, कौन सी आकृति क्या होती है। तो ये किसकी आकृति है, त्रिभुज की। तो ये भी किस में आता है, बहुभुज में, और वो भी क्या आता है, बहुभुज में। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, किसी कोई भी बहुभुज होता है, या 3 भुजाओं का हो, 5 का हो, या 10 भुजा, 15, जितनी भुजा का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाह्य कोणों का मान कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं एक बात लिख रहा हूँ, बाह्य कोण का मान देखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ बाह्य कोणों का योग बराबर 360। अब ये आकृति 3 भुजाओं की हो, या 5 की हो, या 10 की हो, 15 की हो, 20 की हो, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बाह्य कोणों का मान कितना रहेगा, केवल 360 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास बाह्य कोण 3 है, पहला 125, दूसरा भी 125, और तीसरा क्या है, एक्स। तो अपने को बताना है कि जो एक्स है वो इस कोण का मान क्या होगा। तो मेरे पास 360, अब हमको पता है कि बाह्य कोणों का मान क्या होता है, 360। और तो उसके एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके अंदर 125 + 125, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ के 360 में से मैं घटा रहा हूँ। तो 125 और 125 कितने होते हैं यहाँ पे, 360, और ये हो गए 250। अब देखो, 360 में अगर 250 घटाता हूँ, तो आपको पता है कोण कितना आएगा, 0, 1 और 1, 110 डिग्री का कोण आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x बराबर क्या आया, x डिग्री बराबर कितना आया, 110 डिग्री। ये अपना क्या आया आंसर, किसका, पहले का जो ए था उसका। तो इसी प्रकार ये जो बहुभुज है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे आपको कुछ निशान दिख रहे होंगे, यहाँ पे मैं एक निशान बनाना भूल गया। ये निशान किसका होता है, 90 डिग्री कोण का होता है। और एक सीधी रेखा भी, आपको पता है कि कोई भी सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यदि ये कोण इधर 90 का है, तो ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। ये कोण 90 का, तो ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। मतलब इसके मतलब अंदर वाला कोण है ना बराबर का, ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। तो देखो, ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, इसके बाद ये 70 और 60, केवल एक कोण गायब है। तो अपने को एक कोण निकालने के लिए, जो अभी बताया बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 में से इनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किस किस को, यहाँ पर ये 90 है, ये निशान दे रखा ना, उसी से आपको समझना पड़ेगा कि इसे कोने वाला निशान आता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। ये 90 हो गया, उसके बाद वो 60 हो गया, उसके बाद ये फिर 90 हो गया, और ये चौथा कोण कितने का, 70 डिग्री का। इनको जोड़ना है और इस 360 में से घटाना है। तो इधर देखो, 360 को मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, इनको जोड़ो, 9 और 6 कितने, 15, यानी 150। 150 में 90 जोड़ा तो कितना हो गया, 240, और 240 में 70 जोड़ा तो यहाँ पर हो गया 310। एक बार फिर से जोड़ लेता हूँ इनको उधर से, देखो 9 और 7 कितने हो गए, 9 और 7 हो गए 16, और 16 और 6 22, और 22 9 कितने, 31। ये देखो 31 और 0 का 0, यानी 310 डिग्री हो गया। 360 में से 310 डिग्री घटाता हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे, 50 डिग्री। तो एक्स का मान क्या है यहाँ पे, 50 डिग्री। ये अपने दूसरे का आंसर है। इसी प्रकार इसी से रिलेटेड था, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया। क्या है, किसी समबहुभुज, यानी जिसकी क्या है, भुजाएं समान हो, समबहुभुज के बाह्य कोणों का मान कितना होगा। जिसकी भुजाएं समान होंगी, उनके बाह्य कोण भी समान होंगे, हमको पता है, और अंदर के कोण भी समान होंगे। जब भुजाएं समान है, जैसे एक समबाहु त्रिभुज होता है, 3 भुजाएँ होते हैं, तो उसके 3 कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। उसी प्रकार बाह्य कोण भी बराबर ही होंगे। तो इसकी 9 भुजाएँ हैं, तो 9 भुजाओं के 9 भुजा, तो यहाँ पर क्या मानता हूँ मैं, माना 1 भुजा बराबर एक्स, भुजा भी एक्स है और कोण भी, और कोण क्या मान लिया, एक्स डिग्री। भुजा तो क्या है, एक्स, और कोण मान लिया एक्स डिग्री। तो 9 भुजाओं के कोण यानी समान ही है, तो मैं किसी को 9 से गुणा कर रहा हूँ, किसको, एक्स डिग्री को, बराबर कितना है, 360 डिग्री। अब देखो, एक्स का मान निकाल रहा हूँ, तो 360 में किसका भाग दे रहा हूँ, 9 का, 9 चौक कितना होता है, 36, तो कितना हो गया, 40 डिग्री। यानी
एक्स यानी एक बाह्य कोण का मान कितना होगा 40 डिग्री, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान भी कितना होगा 40, तो 40 40 डिग्री के कितने कोण है यहाँ पे 9 कोण है, तो अपना मान क्या हो गया 40 डिग्री। इसी प्रकार 15 भुजाएं हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान निकालने के लिए 360 में किसका भाग देंगे 15 का भाग देंगे। अब 15 का भाग देते हैं, 15 दूना 30, 15 दूना 30 आ गया, इसके बाद 6 बचा 15 चौक 60 24 डिग्री। यदि किसी बहुभुज की 15 भुजाएं हैं तो उसका मान क्या आएगा 24 डिग्री। तो अपना प्रश्न नंबर और 1 और 2 हो गया। चलिए अपना तीसरा प्रश्न हो, क्या दे रखा है कि एक क्या है बहुभुज, बहुभुज तो आप लोगों को बताए बहुभुज क्या होता है, तो बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है जब उसके बाह्य कोण का मान क्या दे रखा है 24 डिग्री। तो अपने को पता है बाह्य कोण को योग कितना होता है 360 डिग्री, यही पढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 में 2 में यही पढ़ा था। तो बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। यदि एक कोण का मान 24 डिग्री है, देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ सब क्या करेंगे, यहाँ पे 24 24 डिग्री के कितने कोण हो गए एक्स कोण और इनका योग कितना हो गया 360 डिग्री। तो बाह्य कोण का मान टोटल कितना होता है 360 डिग्री। आपको ये याद रखना है 24 को किससे गुणा करना है, एक्स से बराबर 360 आना चाहिए इतना। तो मैं देखो एक्स का मान निकालूंगा तो 360 में किसका भाग दूंगा 24 डिग्री का, देखो ये 24 डिग्री का इसमें भाग दूंगा। यदि आपको दिक्कतें आ रही है इसमें 24 का फाड़ा नहीं आता आपको, तो सबसे पहले 6 के फाड़े से काटो, 6 चंगा 36 और ये 0 का 0, तो ऊपर 6 से काटे तो क्या आ गया 60 आ गया, नीचे 6 से काटा तो 6 चौका 24। अब देखो आप आराम से काट सकते हो आप लोग, इसका मान कितना आया 15 डिग्री। देखो यदि बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है तो यहाँ पे क्या आएंगी, डिग्री से डिग्री पे कटेगा, हमें क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे भुजा काट रहे भुजा निकाल रहे हैं, तो भुजा कितनी आएंगी 15 भुजाएं, हम लोग भुजाएं निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 60 डिग्री में 4 डिग्री का भाग देंगे तो 15 भुजाएं आएंगे अपने पास। तो यहाँ देखो इसी प्रकार ये तीसरे के बाद चौथा प्रश्न भी ऐसा ही है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें अंतःकोण दे रखा है और उसमें दे रखा था बाह्य कोण। तो अंतःकोण बाह्य कोण एक ही बात है, तो यहाँ पे एक रेखा पे एक रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती का कोण बनाती है, एक रेखा कितने डिग्री कोण बनाती है 180 डिग्री का। तो देखो 180 का बनाती है तो अंतःकोण 165 है, तो 180 में से यदि मैं 165 घटा दूँ तो मेरे पास क्या आएगा 15 डिग्री आएगा, और ये 15 डिग्री क्या होगा बाह्य कोण, ये 15 डिग्री होगा बाह्य कोण। देखिए 180 में से 165 घटा दिया तो कितना आया 15 डिग्री बाह्य कोण आ गया। तो इसी प्रकार निकालना इसको भी, एक्स यानी भुजाओं का मान निकालना, तो क्या करेंगे 360 डिग्री है उसके अंदर भाग देना है 15 से, और 15 से भाग दें तो क्या आएंगे, देखो 15 दूना 30 और फिर 6 बचा 15 चौक 60 24 डिग्री नहीं आएगा, 24 क्या आएंगी यहाँ पे भुजाएं 24 भुजाएं। यदि किसी बहुभुज के अंतः कोण कितना हो 165 डिग्री का है और भुजाएं निकालें तो उसकी भुजाएं आएंगी 24 भुजाएं, और बाह्य कोण 24 दे रखा है तो भुजाएं आएंगी 15। तो इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं, आपको ये याद रखना है कि बाह्य कोण का मान 360 डिग्री होता है। हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें क्या दे रखा है, यदि किसी बाह्य कोण का मान यानी किसी बहुभुज दे रखा है उसके अंदर बाह्य कोण कितना हो 22 डिग्री हो, तो क्या ऐसा बहुभुज संभव हो सकता है क्या। तो हमको पता है बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, पहले प्रश्न से ये पढ़ते आ रहे हैं, तो 360 में किसका भाग देंगे हम लोग भुजाएं निकालने के लिए 22 का, भुजाएं निकालने के लिए किसका भाग देते हैं 22 का। देखो 360 में यदि मैं 22 का भाग देता हूँ तो पूरा भाग नहीं जाएगा, तो पूरा भाग नहीं जा रहा तो भुजाएं कभी आधी नहीं होती, आपको पता है भुजाएं तो पूरी होंगी तो पूरी काउंट होती है। यदि 360 में पूरा भाग नहीं जा रहा है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा नहीं। ये पूछ रहा है यदि किसी बहुभुज का बाह्य कोण 22 डिग्री हो तो क्या ऐसा बहुभुज संभव है क्या, नहीं होगा, अपना आंसर क्या होगा नहीं हो सकता, क्योंकि 360 में किसका भाग नहीं जाता 22 का भाग नहीं जाता। अब देखो क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या, पूछ रहा है यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या, यह का मतलब क्या है 22 डिग्री है जो समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अंतःकोण और बाह्य कोण कितने के होते हैं, 180 डिग्री होता है अंतःकोण बाह्य कोण, यानी एक रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनाता है 180 डिग्री का। तो 180 में से 22 घटाएंगे, पहले 180 माइनस 22, देखो 180 में से मैं 22 घटा रहा हूँ तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 5 और ये 158 डिग्री, 158 डिग्री आ गया अपने पास, किसका मान आ गया, ये तो बाह्य कोण था, ये अंतःकोण आ गया, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ अंतःकोण। देखो अंतःकोण कितना आ गया अपने पास 158 डिग्री। अब देखो यदि 158 का भाग 360 में जाता है, 360 में
360 डिग्री में 158 का क्या भाग जा रहा है? क्या भाग नहीं जा रहा है इसमें भी? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 22 डिग्री है ना जो दे रखा है, वो किसी समभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं। और इसका आप कारण तो लिख ही सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि अंतःकोण निकालते हैं 180 माइनस 22 तो 158 आता है, तो 158 का भाग 360 में नहीं जाता। आपको ऐसे लिखना है कॉपी के अंदर, तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद ये छठा प्रश्न है, समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, यानी अंतःकोण अंदर का। समबहुभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो कम से कम तो तीनों चार जितनी भुजाएं होंगी, तो कम से कम यानी चार तो पांच भुजाएं काफ़ी सारी हो सकती हैं, लेकिन बहुभुज कितने का बनता है? जैसे एक त्रिभुज है, ये सबसे कम भुजाओं का क्या है? बहुभुज। तो इसको निकालना अपने को, यदि समबहुभुज का मतलब क्या था? भुजाएं क्या हो, समान हो। तो हम लोग बहुत क्या लेते हैं, त्रिभुज ले लिया। संभव त्रिभुज, त्रिभुज के अंतकोणों का योग कितना होता है? अपने को पता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और इसके तीन कोण होते हैं, तीन बराबर ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं किसी बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतकोण संभव, यानी 60 डिग्री का अंतकोण संभव। तो अपना आंसर क्या होगा? 60 डिग्री। यह हो गया। इसके बाद समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? यदि देखो अपना इसी प्रश्न से रिलेटेड है, यदि अंतकोण 60 डिग्री का, तो बाह्य कोण कितने होगा? अपने को पता है कि अंतकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो बाह्य कोण निकालने के लिए मैं अंतकोण क्या है यहाँ पे, अंतकोण 60 है, और टोटल कोण कितने का बनता है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का बनता है, तो 60 डिग्री का हटा बराबर 120 डिग्री। तो इसका उत्तर क्या आया? संभव में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? तो ये है ना, संभव वो जो उसके अंदर अधिक से अधिक कोण कितने का बन सकता है? बाह्य कोण 120 डिग्री, और अंतकोण देखो कम से कम कितने का बनेगा? 60 डिग्री का। तो ये अपना प्रश्न नंबर 6 तक हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ 3.2 भी पूरी।